मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रेड प्लस वन पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर और उसका सोल्यूशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और जो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ये टोटली बेस्ड रहेगा आपका जो ग्रेड प्लस टू का क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इससे पिछले की वीडियो में मैंने हिस्ट्री का सैंपल पेपर का फुल सोल्यूशन अपलोड करा है और पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर अपलोड करा है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से मेरी लिस्ट में जाओ, वहां पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन से। वीडियो के लास्ट तक बन रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, द क्वेश्चन पेपर हैज़ थ्री सेक्शंस एस ए बी एंड सी। सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। एंड सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। और अगर जल्दी से सेक्शन ए की बात करें, तो जैसा कि हमने पढ़ा, अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर वन, एन इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर इन एनी डेमोक्रेसी इन प्रेजेंट टाइम इज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आइडेंटिफाई द लीडर हु एडवोकेटेड द कॉज ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीआर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द टर्म पॉलिटिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो टर्म है हमारे पास, जो शब्द है पॉलिटिसिस, वो लिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक वर्ड पॉलिस से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक बिकॉज दे। इसका जो सही आंसर होगा, दे पोजेसेस पावर ऑफ रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन आइडियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिसिस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज गिवन बाय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द थिंकर एसोसिएटेड विद द मॉडर्न अप्रोच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड लीगल राइट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, अ बिल ऑफ राइट इज एनश्राइंड इन द। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, ह्यूमन राइट्स ट्रेडिशनली आर डिवाइडेड इनटू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द प्रोविजन टू अबोलिश अनटचेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु सेड राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लस्की। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ स्टेट इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू। तो इसका जो सही आंसर होगा, इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या होती है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूज़ करना कि आने वाले जनरेशन के लिए भी वो सेव रह पाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट टू द फ्रेंचाइजी इज अ, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द न्यू एग्रीगेन स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड टू इन्हांस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन इंडिया वन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ द फर्स्ट थ्री प्लान्स वाज, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूएनडीपी मींस, तो यूएनडी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिजिनियस पीपल लिव इन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, की इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर, तो इसको जो इंडिकेटर है वो है लिटरेसी, इनकम एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन हारमोनी एंड हैप्पीनेस इन द, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडर व्यू। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुड बी सच दैट इट हारमोनाइज द इकोनॉमिक ग्रोथ विद, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिविजुअल राइट्स। सेक्शन बी है, जिसमें भी आपके क्वेश्चंस की बात करें, 24 क्वेश्चंस हैं और 24 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो हमारे पास जिसमें असर्शन रीजनिंग में क्या है, सबसे पहली जो स्टेटमेंट होती है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड में होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी होता है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। एंड लास्ट में क्या होता है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, जिसमें असर्शन रीजनिंग दिया है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि हमारी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, जिसमें हमारी ए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और आर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, 29, इन तीन असर्शन रीजनिंग का आपने आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 30, डेवलपमेंट इन्वेटिबिलिटी लीड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्रीफाइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 है, डेवलपमेंट मींस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवेल्प चेंज अलॉन्ग विद ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका मे कॉज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लड एंड सबरमेंस ऑफ लो लाइंग एरियाज। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कॉल फॉर डेवलपमेंट डिकेड वाज मेड बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कृष्णा मेनन। क्वेश्चन नंबर 34 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे फर्स्ट का और जो ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर डी है और फोर्थ का हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें हमारे पास टू स्टेटमेंट्स दी हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, श्रीलंका इज़ अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का जो सही आंसर होगा, इट इनकुलेट एंटी नेशनलिज्म, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, द मिनिमम एज लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट इन इंडिया इज 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज अ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्री मेंबर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 40 है, When did the Election Commission of India get two more election commissioners? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 11। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द गिवन ड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपने, इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है, 11। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 11। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इंक्लूड्स एंटी नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 48 भी रिपीटेड है, राइट टू वोट 18 ईयर्स। उसके बाद सेक्शन सी है हमारे पास, जिसमें हमारे से अटेम्प्ट यानी 10 out of 12 questions दिए जाएंगे, जिसमें से हमें कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की कैपिटल है हमारे पास, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, कोहिमा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 51 है, इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज कंपेयर टू एन एलिफेंट। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, यस। उसके बाद हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 52 हमारा जो है वो है, व्हाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 प्रूव टू बी वेरी पेनफुल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इट वाज द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रैगिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 53, इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में करना है क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट, मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s। उसके बाद रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। अगेन हमारे पास एक पैराग्राफ दिया है जिसके बेस पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाई वाज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंडिया वांट्स टू इंश्योर इट्स प्लेस इन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसका जो आंसर है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर CTBT। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनके जो आंसर हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।